आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मलेशिया चीनी की अधिकतम कीमत बढ़ाई जाए या नहीं, इस पर विचार विमर्श कर रहा है। मलेशिया के घरेलू व्यापार और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के महासचिव अजमान मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि इस साल के भीतर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद कैबिनेट में एक रिपोर्ट पेश किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत बढ़ाने या ना बढ़ाने का फैसला कैबिनेट करेगा। वर्तमान में मलेशिया की घरेलू थोक रिफाइंड चीनी की कीमत 2.69 मलेशियन रिंगिट प्रति किलोग्राम पर सीमित है। वहीं MSM मलेशिया होल्डिंग्स BHD सहित चीनी उद्योग के खिलाड़ियों ने सरकार से कच्चे माल और माल ढुलाई लागत में वृद्धि के बीच चीनी की उच्चतम कीमत की समीक्षा करने का आग्रह किया है। अगर चीनी के दाम बढ़ाए जाएं तो रेस्टोरेंट्स और बेकरी अपनी कीमतें बढ़ाने को लेकर सचेत हैं। वहां के रेस्टोरेंट्स और बिस्त्रो ओनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने कहा कि चीनी उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुल खाद्य संरचना का एक छोटा सा घटक है, फिर भी चीनी की कीमतों में कोई भी वृद्धि प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा कि खाद्य संचालकों को अतिरिक्त लागत उपभोक्ताओं पर डालनी होगी। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।